राजनांदगांव जिला के नगर पालिका डोंगरगढ़ में खींचतान की स्थिति लगातार बने हुए है, जेकर स्थिति पर्यटन स्थल होए के बावजूद नगर के विकास कार्य में तेजी नहीं आ पावत है। ताजा मामला में नगर पालिका अधिकारी के उदासीन रवैया और दुर्व्यवहार करे के चलत हुए भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ हल्ला बोली गई। पार्षद दल के अगुवाई करैया नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा के मुताबिक नगर पालिका के अधिकारी द्वारा पार्षद मन ले ठीक तरह ले व्यवहार नहीं करे जावाए और कोनो काम की जानकारी मांगे में ठीक से जवाब घलो नहीं दे जावाए। आगू कहीन कि नगर पालिका के अधिकारी द्वारा पहली घलो पत्रकार ले दुर्व्यवहार करे के मामला आगू आ चुके है और अब पार्षद मन ले घलो दुर्व्यवहार करत है। एकर अलावा टेंडर जारी करे के मामला में घलो नगर पालिका अधिकारी के किरकिरी हो चुके है। विकास कार्य के बारे में चर्चा करे में अधिकारी द्वारा कोनो प्रकार के संतोषप्रद जवाब नहीं मिले, जबकि पर्यटन स्थल होए के स्थिति डोंगरगढ़ में विकास के काम और तेज गति ले होना चाहिए, फिर ऐसा उदासीन रवैया के स्थिति सब पिछड़े हुए हैं। नगर पालिका डोंगरगढ़ के पार्षद मन के कहना है कि नगर पालिका में नगर के विकास पर कई बेर ज्ञापन सौंपे गई और नगर पालिका में चर्चा करे गई, फिर नगर पालिका के अधिकारी द्वारा पार्षद मन के नहीं सुने जावे। जनहित और विकास के मुद्दा लेके सब नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा के द्वारा नगर पालिका अधिकारी ले जब जानकारी मांगी गई तो उखर कोनो जवाब नहीं दिए गई, जेकर बाद जम्मो मुद्दा लले के नगर पालिका के घेराव करे गए हैं। देखिए, एक छोटा सा कंकड़ को ईटा बनाने में पत्रकारों का अहम भूमिका रहती है। पत्रकारों से अभद्र व्यवहार, जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार, जनता से अभद्र व्यवहार, ये सीओओं का रवैया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो टेंडर का मामला हो, चाहे पत्रकारों से अभद्र व्यवहार हो, चाहे पार्षदों से, ये जो स्थिति शहर में पैदा हुई है, जब से सीएमओ आए हैं कुछ न कुछ गलत करते आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डोंगरगढ़ जो है अब गड्ढे में जा रहा है और डोंगरगढ़ को बचाने के लिए ईंट सीट बजाना होगा। इसके लिए हम नगर पालिका पे धरना पे आए हैं।